सलमान खान स्टारर फिल्म ट्यूबलाइट बीते शुक्रवार थिएटर्स पर दस्तक दे चुकी है। ईद के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन फिल्म लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई है। जी हाँ, यूं तो क्रिटिक्स ने फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज दिए थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर लगता है कि ऑडियंस को इस फिल्म ने निराश किया है। हर साल सलमान खान की ईद धमाकेदार जाती है, लेकिन इस साल उनके लिए ईद फीकी रही है। बता दें कि फिल्म ने अब तक कुल 85,27,00,000 रुपए की कमाई की है। अगर हर दिन के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन यानी अपने फर्स्ट डे कमाए 21,15,00,000 रुपए, सेकेंड डे फिल्म का कलेक्शन रहा 21,17,00,000 रुपए, थर्ड डे फिल्म ने कुल कमाए 22,45,00,000 रुपए और फोर्थ डे फिल्म का टोटल कलेक्शन रहा 20,50,00,000 रुपए। यानी फिल्म ट्यूबलाइट का अब तक का कलेक्शन है 85,27,00,000 रुपए। इसके अलावा बजट की बात करें तो फिल्म का टोटल बजट है 100 करोड़ रुपए, जिसमें से 80 करोड़ फिल्म के प्रोडक्शन में लगे हैं और बाकी 20 करोड़ फिल्म के प्रमोशन में। बता दें कि फिल्म एक इंडियन वॉर ड्रामा फिल्म है, जिसे डायरेक्ट डायरेक्टर कबीर खान ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा सोहेल खान और चाइनीज एक्ट्रेस जूजू मेन रोल में है। इस फिल्म की कहानी 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान की बनाई गई है। इस फिल्म को लेकर क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यूज दिए हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म का डायरेक्शन बढ़िया है और लोकेशंस भी कहानी के हिसाब से अच्छे हैं। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3 स्टार्स दिए हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।